नहीं हो बस बैठ के आ रहे हैं तो ऐसा कैसे चलेगा अंजलि बट शी इज अ गुड नेविगेटर शी लीड्स अस टू द कुंड थैंक यू एक्चुअली सब झूठ है वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज आ रहे हैं हम ब्यास कुंड के ट्रैक पे जो है मनाली से अराउंड एक धुंधी जगह का नाम है जहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये सोलांग वैली के आगे एक जगह है। तो मनाली से अगर आप यहाँ के लिए निकलते हैं तो आपको अराउंड 20 किलोमीटर पड़ेगा ये धुंधी, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ब्यास कुंड का ट्रैक। तो सुबह सुबह सुनहरी धूप की किरणों के साथ हम निकल पड़े धुंधी विलेज की तरफ जो है मनाली से अराउंड 20 किलोमीटर की दूरी पर, और ये सोलांग वैली का आखिरी गाँव है। तो ये है ब्यास कुंड का फर्स्ट बेस कैंप, और हमने ये ट्रैक अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया है। वैसे ट्रैक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। देखते हैं हम कितनी देर में ब्यास कुंड पहुंच पाते हैं। वाओ। हेलो एवरीवन, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद जो है बर्फबारी जो पैच है वो स्टार्ट हो गए हैं। छोटे छोटे ग्लेशियर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो देखते हैं आगे जाके कितनी बर्फ मिलती है हमें और हम कितना ट्रैक कर पाते हैं। चलो चलते हैं। Who is this handsome boy? Best time. Bye bye. वो कहते हैं ना कि नज़ारे सुंदर हों तो थकान महसूस नहीं होती। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था यहाँ पे। जगह ही कुछ ऐसी थी, बहुत सुंदर, बहुत अलग। नहीं होगा सर, नहीं कुछ नहीं होगा। बैठ के आ रहे हैं तो ऐसा कैसे चलेगा अंजलि? ऐसे ही चलेगा। हेलो एवरीवन, तो अभी जो है वो टोटली स्नो का पैच स्टार्ट हो गया है। तो उसके आगे जो है पूरा रास्ता स्नो वाला ही है। तो देखते हैं अभी ऊपर हम कितनी देर में पहुंचते हैं। हेलो एवरीवन, तो एक स्टीप चढ़ाई वाला जो पैच था वो हमने कवर कर लिया है। अभी हमें शायद थोड़ा सा पैच बचा और हम ब्यास कुंड पहुँचने वाले हैं। तो देखते हैं अभी हमें कितना रास्ता बचा है। तो चलिए चलते हैं आगे। वो यार क्या कर रहे हो, चढ़ जाओ यार। यहाँ पे जो है आपको 360 व्यू देखने को मिलेगा। चारों तरफ हर तरफ स्नो ही स्नो। तो ये पाँव के निशान हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं। आई होप हम पहुंच पाए। आपको ये छोटे छोटे कुंड नजर आ रहे हैं, तो ये ब्यास कुंड नहीं है। तो अपने रास्ते से भटकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। सो हेलो गाइस, वी आर अबाउट टू रीच ब्यास कुंड। तो चलिए चलते हैं। वैसे हमें एक गाइड ने बता दिया कि वहाँ पे लड़कियाँ अलाउ नहीं है, तो आई होप हमें, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से भी कि हमें अपने कल्चर की और संस्कृति की और पहाड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं उस चीज़ का खास कर ध्यान रखें। थैंक यू। क्या दिखाओ
तो अभी हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो है 3 वाटरफॉल हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजन है। तो सर जो जब आप आ रहे हों, जो आपको राइट में वाटरफॉल नज़र आएगा, तो उसको फॉलो करते करते आपको आगे बढ़ना है और वहीं पे मिलेगा आपको ब्यास कुंड। सो फाइनली वी मेड इट टू ब्यास कुंड। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। वैसे यहाँ पे एरोस लगे हुए हैं पत्थरों पे, जो आपको ब्यास कुंड तक ले जाएंगे, बट स्नो में वो भी नज़र नहीं आएंगे, तो आपको बस राइट वाटरफॉल को फॉलो करना है। ये क्या देखने मिल रहा है हमें, एवलांच। तो ये रहा ब्यास कुंड, ये शायद हमारे आने से 1-2 दिन पहले आया हुआ है। तो जो ब्यास कुंड है और वहाँ पे जो मंदिर था छोटा सा, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। तो पहाड़ों पे आएं तो प्लीज़ मौसम देख के आएं और बी सेफ गाइस। She's a great guide. मैंने काफी अच्छा गाइड किया। ये तो मुझे पता नहीं था। जो हमारा ब्यास कुंड है काफी डिफिकल्ट है ऐसे रास्ता ढूंढना, but she's a good navigator. She leads us to the kund. Thank you. Actually, सब झूठ है। उठा लोगे आज तुम्हें? इसके अंदर कैसी नजूर है? तो हमारा ट्रैक का सफ़र हुआ यहाँ पर ख़त्म और काफ़ी खूबसूरत यादों को लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम वापस आ चुके हैं ब्यास कुंड का डे हाइक करके। तो हमने ये 6:30 बजे स्टार्ट किया था और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, तो अराउंड 7 घंटे लगे हमें ये आने और जाने में, 4 घंटे जाने में और 3 घंटे वापस आने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय बाय।